सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का 8th वीडियो है। इसके पहले मैं 7 वीडियोस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरम को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं? सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप इसको समझिए, मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है। इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रायोरिटी ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर। कुछ इवेंट्स है, मान लीजिए दो ही इवेंट है, दो इवेंट ऐसा है कि एक इवेंट का होने या नहीं होने से दूसरे इवेंट के प्रायोरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घटना मान लीजिए ए है और दूसरा घटना बी है, तो ए घटना घटे या ना घटे उससे बी घटना के घटने और नहीं घटने के प्रायोरिटी में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वैसे दोनों इवेंट को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो वही लिखा हुआ है कि इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन, किसी एक घटना के घटने और नहीं घटने से डज नॉट अफेक्ट द प्रायोरिटी ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर, तो दूसरे घटना के घटने और नहीं घटने के प्रायोरिटी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक बैग हम लोग लेते हैं और इस बैग में से 6 रेड बॉल है और 3 जो है वो व्हाइट बॉल है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो बॉल निकालते हैं, एक बॉल फर्स्ट में निकाल लिए और उसके बाद फिर दूसरा बॉल निकाले, तो ये दो बॉल निकाले। मान लीजिए ए जो है वो है रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, इन फर्स्ट ड्रॉ पहला बार में रेड आने की घटना को हम लोग ए मान लेते हैं, और बी मान लेते हैं व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, दूसरा बार में व्हाइट बॉल आने की घटना को हम लोग बी मान लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इवेंट जो है वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग दो केस लेते हैं, दो केस क्या लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट बॉल निकाले हैं और उस बॉल को हम लोग किनारे रखे, और यहाँ पर 9 बॉल्स था टोटल, जब फर्स्ट निकाल लिए तो यहाँ पर 8 बॉल्स बचा। अब जो दूसरा बॉल निकाल रहे हैं वो बाकी 8 बचे हुए बॉल में से निकालेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट को जो बॉल निकाले उसको वापस बैग में हम लोग नहीं डाले। तो फर्स्ट मेथड हो सकता है कि द बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ इज नॉट रिप्लेस्ड बैक इन द बैग, यानी जो फर्स्ट बॉल निकाले उसको वापस हम लोग बैग में नहीं डाले। तो देखिए एक घटना घटने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ए के बारे में सोचिए, ए क्या है फर्स्ट बार में रेड निकलने का, तो फर्स्ट बार में रेड कितना है, 6 रेड है, तो 6 में से कोई भी एक बॉल निकाल सकते हैं, 6 तरीके से निकाल सकते हैं, फेवरेबल केस 6 हो जाएगा इस इवेंट के लिए। और टोटल बॉल कितना है, 9, 9 में से कोई भी बॉल निकल सकता था फर्स्ट में, तो टोटल केस 9 आएगा, तो ये आ गया 2/3। अब बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यहां पर बी घटना जो है वो ए घटना क्या घटा है, फर्स्ट बार में कैसा बॉल निकला है उस पर ये दूसरा बॉल, जो दूसरा बार बॉल निकाल रहे हैं वो फर्स्ट वाले पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट में ए घटना घट चुका है, तो फर्स्ट में ए घटना घट चुका है कि रेड बॉल निकल चुका है, तो रेड बॉल निकल चुका है तो यहाँ पर कितना रेड बच गया, 5 रेड बचे और 3 व्हाइट बच गया, क्योंकि पहला जो बॉल निकाले है उसको किनारे रखे हुए हैं, तो एक बॉल तो कम हो गया क्योंकि 6 रेड में से 1 रेड निकल चुका है, तो 5 रेड बचा और 3 व्हाइट बचा। अब ये 8 बॉल में से ही कोई एक बॉल निकालना है, तो दूसरा बार में व्हाइट बॉल निकले, यहाँ पर पी बी बाई का मतलब क्या हुआ कि एक घटना ऑलरेडी घट चुका है,
अब बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी, यानी फर्स्ट में रेड निकल चुका है, अब सेकेंड में व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी, तो तीन व्हाइट बचा हुआ है तो तीन में से कोई भी निकल सकता है, फेवरेबल कैसे ये हो गया, थ्री फेवरेबल कैसे हुआ, और टोटल एट बॉल्स बचा हुआ था तो यहाँ पर एट में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, तो ये टोटल कैसे हो गया एट, यानी बी बी बाई ए इज इक्वल टू थ्री बाई एट आया, मतलब ए घटना अगर घट चुका है तो बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी थ्री बाई एट है। लेकिन इसको आप ऐसा समझिए पी बी बाई ए बार, मान लीजिए फर्स्ट बार में जो बॉल निकाले वो जरूरी नहीं कि रेड ही निकले, मान लीजिए वो रेड नहीं निकला हो यानी ए घटना नहीं घटा हो, तो ए घटना अगर नहीं घटा है तो दूसरा बार में व्हाइट बॉल निकले इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जब ए घटना नहीं घटा है मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट में रेड नहीं निकला, तो फर्स्ट में क्या निकला, फर्स्ट में व्हाइट निकल गया, तो व्हाइट निकल गया तो यानी कि सिक्स रेड यहाँ पर बचा हुआ रह गया, और व्हाइट जो थ्री था उसमें से एक व्हाइट फर्स्ट में निकल गया था, टू व्हाइट ही बॉल बचा, तो यहाँ पर अब जो फर्स्ट बॉल में एक घटना नहीं घटा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बॉल कितना बच रहा है, सिक्स रेड और टू व्हाइट बॉल बच रहा है। अब बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी निकालना, यानी कि सेकेंड बार में व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो दो व्हाइट बॉल है दोनों में से कोई भी एक निकालते हैं तो ये घटना घट जाएगा, यानी कि इसके फेवरेबल केसेज हुआ टू और टोटल केसेज क्या होगा एट हुआ, तो यहाँ पर ये आ रहा है वन बाई फोर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ए घटना अगर घटता है तो बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी थ्री बाई एट, और ए घटना नहीं घटता है तो बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर, यानी बी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए इवेंट पर डिपेंड कर रहा है, ए अगर होगा तो बी का प्रोबेबिलिटी थ्री बाई एट और ए अगर नहीं होगा तो बी का प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट, यानी कि बी घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इफेक्ट हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, किससे इफेक्ट हो रहा है, ए घटना के घटने और नहीं घटने से बी घटना का प्रोबेबिलिटी जो इफेक्ट हो रहा है अलग आ जा रहा है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट, या बी जो है वो ए पर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, दूसरे तरीके से सेकेंड मैटर हम लोग लेते हैं, जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं कि द बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ इज रिप्लेस्ड बैक इन द बैग, मींस क्या हुआ जो फर्स्ट बॉल हम लोग निकाल रहे हैं उसका कलर चेक कर लिए और कलर चेक करने के बाद उसको नोट कर लिए, फिर वापस बैग में डाल दिए और उसके बाद में हम लोग दूसरा बॉल निकालेंगे रेंडमली, तो क्या हुआ यहाँ पर द बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ इज रिप्लेस्ड बैक इन द बैग, जो पहला बार जो बॉल निकाले हैं वो उसको हम लोग वापस बैग में डालते हैं उसके बाद दूसरा बार बॉल निकाल रहे हैं, तो जब ध्यान दीजिए बी घटना घटने का प्रायोरिटी जबकि ए घटना ऑलरेडी घट चुका है, तो ए में जो भी बॉल निकले उसको तो फिर वापस बैग में डाल दिया गया है, तो वापस बैग में डाल दिया गया तो बॉल तो कम यहाँ नहीं हुआ, सिक्स रेड ही रह गया, थ्री व्हाइट हो गया क्योंकि जो फर्स्ट में निकाले उसको वापस कर दिए, तो अब दूसरा बार व्हाइट बॉल निकालने का प्रायोरिटी जबकि ए घटना ऑलरेडी घट चुका है, फर्स्ट में जो भी निकला हो यहाँ पर तो टोटल बॉल यही रह जाएगा, तो अब सेकेंड में व्हाइट निकलने का प्रायोरिटी, तो व्हाइट निकलने के लिए फेवरेबल केसेस थ्री होगा और टोटल केसेस सिक्स है, यानी कि ये हुआ सॉरी टोटल केसेस नाइन है क्योंकि टोटल नाइन बॉल्स है, तो ये आ जा रहा है वन बाई थ्री। अब ऐसा करते हैं पी बी बाय ए बार, मतलब ए घटना नहीं घटा है यानी फर्स्ट में जो है वो रेड बॉल नहीं निकला है, तो फर्स्ट में मान लीजिए जो भी निकला हो रेड नहीं निकला हो व्हाइट निकल गया, तो व्हाइट निकल गया तो फिर तो वापस हम लोग इसको डाल दिए बैग में, तो वापस डाल दिया तो टोटल बॉल तो यही रह गया, तो अब दूसरा बार में व्हाइट निकले इसका प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि टोटल बॉल तो यही है जो फर्स्ट में निकाले तो वापस बैग में डाल दिए तो टोटल वही बॉल रह गया, तो दूसरा बार में व्हाइट निकलने के लिए फेवरेबल केसेज थ्री हो जाएगा और टोटल केसेज जो है टोटल बॉल नाइन है तो नाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वन बाई थ्री ही रह गया प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में देखिए जब हम लोग फर्स्ट बार में बॉल जो निकाले उसको वापस अगर कर देते हैं तो ए घटना के घटने के बाद भी घटना का घटने का प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री है और ए घटना नहीं घटने के बाद भी घटना घटने का भी प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री ही है, तो ए घटना घटे या नहीं घटे बी घटना घटने के प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरा घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो पहला घटना घटने के प्रोबेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटना घटे या ना घटे बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी सेम रहता है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए डेफिनेशन में मैं वही लिखा हूँ कि इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट
if the occurrence or non-occurrence of one, एक घटना घटने और नहीं घटने से does not affect the probability of the occurrence or non-occurrence of the other. दूसरा घटना घटने के probability में कोई फर्क नहीं पड़े, उस घटना के घटने और नहीं घटने के probability में कोई फर्क नहीं पड़े, तो वैसे event को हम लोग कहते हैं independent event. तो independent event में आप जरा ध्यान दीजिएगा, P B by A या P B by A bar, ये by A या A bar लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घटना घटता है तो भी वही probability और ये घटना नहीं घटता है तो भी वही probability. तो इसको हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, ये PB ही लिखेंगे, PB by A को हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये घटना घटे या ना घटे उससे भी घटना के probability में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये एक्चुअली बता क्या रहा है, भी घटना घटने का ही प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो भी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी तो ए घटना पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये घटना घटे या ना घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे पी बी लिखेंगे. लेकिन जब डिपेंडेंट रहेगा तो डिपेंडेंट में ए घटना के घटने और नहीं घटने से भी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी फर्क पड़ जाता है, तो वहां पर कंडीशनल कंडीशन लगाना जरूरी होगा. लेकिन इंडिपेंडेंट में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, पी बी बाय ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर ही होगा. तो कंडीशनल में आप ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं होता, सीधे हम लोग ये लिखते हैं. तो अब एक रिजल्ट देखिए, If A and B are independent events, अगर A भी independent है, तो then P B by A is equal to P of B. यहाँ पर B by A लिखने की जरूरत नहीं, सीधे P of B लिखेंगे. तो by multiplication theorem of probability B है, हम लोग जानते हैं multiplication theorem of probability से कि P A intersection B is equal to क्या होता है, P A into P B by A. अब जरा ध्यान दीजिए, P B by A को सीधे P B लिखेंगे, तो अब क्या लिख सकते हैं कि PA intersection B is equal to PA into इसके जगह हम लोग P of B लिखेंगे. यानी कि independent event रहे तो उस समय intersection A और B के intersection का probability निकालने के लिए क्या करेंगे, A का probability और B के probability दोनों को multiply कर देंगे. तो ये था आपका dependent events रहे तब इसको apply करेंगे, लेकिन अगर independent event रहे तो हम लोग direct ऐसे लिख सकते हैं P of A intersection B is equal to PA, P of A into P of B. तो ये तभी लिखेंगे जब independent हो. तो independent का ये एक mathematical definition भी हो जाता है. Mathematical definition independent के लिए क्या होगा कि हम लोग कहेंगे कि if A and B are independent events, if PA intersection B is equal to PA into PB. और अगर ये दोनों equal नहीं हो, suppose कीजिए PA intersection B not equal to P of A into P of B, तो हम लोग कह सकते हैं वैसे केस में कि A and B are dependent, ये dependent हो जाएंगे. तो dependent events अगर कहीं prove करना हो, dependent events prove अगर करना हो तो क्या करेंगे, P A intersection B not equal to P of A into P of B दिखा देंगे. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट होगा, लेकिन अगर ये इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट. तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन भी हो गया. अब सपोज कीजिए कि ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये तीन इवेंट है, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो वैसे केस में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे अभी दो के लिए मैं बताया हूँ वैसे तीन के लिए भी हो जाएगा, P of A into P of B into P of C हो जाएगा. या तीन से अगर अधिक रहे तो भी यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ रहे तो सभी में प्रोबेबिलिटी लग करके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये एक रिजल्ट है. चलिए अब आगे देखते हैं. ये एक थ्योरम है, If A and B are independent events, then prove that. कोई भी हम लोग A और B ले रहे हैं इवेंट और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो प्रूफ करना है कि A bar and B are independent event. A bar और B भी independent होगा. A and B bar are independent events. A bar and B bar are independent events. चलिए मैं first को proof कर रहा हूँ, आप बाकी कर सकते हैं. तो चलिए देखिए इसको proof first का. तो first का proof करने के लिए आप Venn diagram देखिए. ये एक Venn diagram हम लोग बनाते हैं. तो Venn diagram में हम लोग ये simple space ले लेते हैं और इस simple space का दो subset लेते हैं. एक A और दूसरा हम लोग लेते हैं B. तो ये हो गया दो इवेंट, सबसेट को इवेंट कहते हैं. अब जब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी,
ये जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन है इंटरसेक्शन भी। अब इधर वाला पोर्शन को जरा ध्यान दीजिए कि इधर वाला पोर्शन जो है ये जो पोर्शन आ रहा है ये कौन सा पोर्शन है, तो ये आप समझिए कि ये हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी बार। बी बार का मतलब क्या हो गया कि बी के बाहर वाला, बी का कंप्लीमेंट, तो बी के बाहर वाला और उसमें से ए का कौन सा कॉमन पोर्शन है। बी के बाहर भी होना चाहिए, ए के अंदर भी होना चाहिए, तो यही पोर्शन ए के अंदर भी है और ये पोर्शन बी के बाहर भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार हो गया। उसी तरीके से ये पोर्शन के बारे में देखिए, तो ये पोर्शन होगा ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी ए के बाहर है, ए का कंप्लीमेंट हो गया, ए के बाहर ही ये वाला पोर्शन और बी के अंदर है, तो ए बार इंटरसेक्शन बी। अब देखिए बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो मैंने बनाया है वहां से आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी और ए बार इंटरसेक्शन बी ये दोनों का यूनियन करेंगे तो कंप्लीट बी हो जाएगा। ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी और ये जो पोर्शन है ये है ए बार इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का यूनियन करने पर क्या आ जा रहा है, कंप्लीट बी आ रहा है। अब दोनों तरफ हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी पी ऑफ बी, दोनों तरफ हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। अब देखिए ये दोनों क्या म्यूचुअली डिसजॉइंट है, याद कीजिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट में क्या होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, दोनों में प्रोबेबिलिटी लग करके सम हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब ए और बी म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, यानी कोई कॉमन पॉइंट नहीं, तो ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी कि यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी लग जाएगा और यहाँ पर भी, दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, और इधर जो है पी ऑफ बी यहाँ पर रह दीजिए। अब देखिए क्यों लिखे हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी एंड ए बार इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए, दोनों में प्रोबेबिलिटी लग करके सम हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ई ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और यहाँ पर ये जो करते हो रहने दीजिए पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी और इधर कितना है पी बी, ये कैसे लिखे हुए हैं, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे हुए हैं। अब आगे देखिए कि ये दोनों ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो यहाँ ये जो करते हुए रहने दीजिए पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी और यहाँ दोनों से पी ऑफ बी को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो पी ऑफ बी को कॉमन लेकर के राइट साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर बच जाएगा वन, यहाँ पर बचेगा पी ऑफ ए, तो यहाँ पर ये जो करके रखिए पी ए बार इंटरसेक्शन बी और यहाँ वन माइनस पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए बार होता है इंटू पी ऑफ बी, तो आप देखिए क्या हो गया पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी, मतलब ये इसका भी प्रोबेबिलिटी और इसका भी प्रोबेबिलिटी दोनों लग करके मल्टीप्लाई हो गया, तो इंडिपेंडेंट का यही मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि इंटरसेक्शन में अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी लग करके मल्टीप्लाई हो जाता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो देयरफॉर ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी तरीके से दो और जो रिजल्ट है उसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो दो रिजल्ट और क्या है कि ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरा क्या है ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसको आप लोग इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए, टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन द अदर, दो पासे को फेंके हैं तो पहला पासा में जो है ऑड नंबर आवे और दूसरा पासा में जो है वो थ्री का मल्टीपल नंबर आवे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक घटना मान लेते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहला पासा में जो है वो ऑड नंबर आवे, इस इवेंट को हम लोग मान लेते हैं ए, और देखेंगे मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन द सेकेंड डाई,
दूसरा पासा में 3 का मल्टीपल आवे इस घटना को बी मान लेते हैं। तो पहला पासा में ऑड नंबर आने की घटना को ए माने हुए, तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, तो किसी भी पासा में 1 से 6 तक नंबर होता है तो ऑड नंबर कौन कौन आएगा, 1 3 और 5 ही आएगा। तो फर्स्ट में ऑड नंबर आवे इस घटना को ये मान लेते हैं, तो ए में 1 और 3 और 5 हो गया। बी माने हैं सेकंड में 3 का मल्टीपल आने का इवन, तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 3 और 3 का मल्टीपल 6 आएगा। तो ए का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल केसेस हो गया 3 और टोटल केसेस किसी पासे में 6 हो सकता है, तो 3/6 मतलब 1/2। इसी तरीके से इस घटना का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी कितना होगा, फेवरेबल केसेस 2 और टोटल केसेस 6 यानी 2/6 मतलब 1/3। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, दोनों घटना घटना चाहिए, फर्स्ट में ऑड नंबर भी आना चाहिए और सेकंड में 3 का भी मल्टीपल आना चाहिए। तो ए और बी दोनों घटना घटना है, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। और ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए दो पासा को फेंक रहे हैं, तो दो पासा में फर्स्ट पासा में कोई नंबर आएगा, सेकंड पासा में कोई भी नंबर आएगा, क्या सेकंड वाला जो नंबर आएगा वो फर्स्ट पर डिपेंड करता है क्या, फर्स्ट में मान लीजिए 3 नहीं आया तो क्या सेकंड में 3 नहीं आ सकता है क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अभी मैं बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा, और ए का प्रोबेबिलिटी 1/2, बी का प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ये कितना हो गया 1/6, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। फ्रेंड्स इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और भी इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है तो आप उसको देख सकते हैं, देख करके समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और वेज थ्योरम। तो मेरे चैनल में ये दोनों लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और वेज थ्योरम दोनों का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद आता है मीन एंड वेरियंस ऑफ ए रेंडम वेरिएबल, तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।